हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास फॉर करंट गवर्नमेंट चिल्ड्रंस अकेडमी। अपनी बात चल रही थी एक्स क्रिएटिव सिस्टम की, और एक्स क्रिएटिव सिस्टम का लास्ट पोर्शन आज का रह गया है, जिसमें हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन जो होता है ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की। जैसे हमारी बॉडी बनी होती है बहुत सारी सेल्स की, इसी तरीके से लगभग मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है किडनी। यानी कि हमें कह सकते हैं नेफ्रॉन जो है ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है इसकी, किडनी की। और अगर मैं बात करूं नेफ्रॉन की, तो नेफ्रॉन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, बोमेन कैप्सूल और रेनल ट्यूब्यूल्स। तो नेफ्रॉन को अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, बोमेन कैप्सूल और सेकंड है रेनल ट्यूब्यूल्स। पहले हम बात करेंगे बोमेन कैप्सूल की। ये एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या बोल रहा हूँ मैं कि ये जो है एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, और नेफ्रॉन जैसे मान लीजिए नेफ्रॉन है, तो नेफ्रॉन का जो ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो बोमेन कैप्सूल कहलाता है। यानी कि आप कह सकते हैं अपर पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन, यानी नेफ्रॉन का ऊपर वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, बोमेन कैप्सूल। इस बोमेन कैप्सूल के अंदर पाए जाते हैं बंचेस ऑफ रेनल ट्यूब्यूल्स या फिर बंचेस ऑफ एफरेंट आर्टरियोल्स। दो तरह की आर्टरियोल्स होती है नेफ्रॉन के अंदर, एफरेंट आर्टरियोल्स और इफरेंट आर्टरियोल्स। तो बोमेन कैप्सूल के अंदर बहुत सारी बंचेस, मतलब एक तरह से झाड़ी नुमा बहुत सारी एफरेंट आर्टरियोल्स पाई जाती है, और इन बंचेस ऑफ एफरेंट आर्टरियोल्स को कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। ठीक है, एक बार फिर बता देता हूँ आपको कि बोमेन कैप्सूल के अंदर पाई जाती है बहुत सारी एफरेंट आर्टरियोल्स की बंचेस, या बहुत सारी झाड़ी नुमा संरचना होती है ये, जिसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। इस ग्लोमेरुलस या फिर बंचेस ऑफ आर्टरियोल्स का एक हिस्सा फर्स्ट पार्ट तो जुड़ा होता है कनेक्टेड बाय रेनल आर्टरी। इससे जुड़ा होता है इसका एक हिस्सा, पहला वाला हिस्सा तो इसका जैसे कि ये ब्रांच है या फिर एक ट्यूब है, इसका फर्स्ट पार्ट तो जुड़ा होगा किससे, रेनल आर्टरी से। रेनल आर्टरी का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मेटाबॉलिक वेस्ट को किडनी के अंदर लाना। जब मेटाबॉलिक वेस्ट होगा तो उसी को एब्जॉर्ब करने का काम होगा। और इसका लास्ट वाला पार्ट जुड़ा होता है, लास्ट पार्ट रेनल वेन से। इसका काम क्या है, जब ब्लड जो है ब्लड से मेटाबॉलिक वेस्ट को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, तो जो अब फिल्टर जो ब्लड रहेगा उसको किडनी से बाहर लेकर बॉडी तक पहुंचाने का काम करेगा रेनल वे। यानी कि रेनल आर्टरी लाएगी मेटाबॉलिक वेस्ट वाले ब्लड को, फिर उसको एब्जॉर्प्शन होगा उसका, उसको प्योरीफाई किया जाएगा, फिल्टर किया जाएगा। जब ब्लड फिल्टर हो जाएगा उसको ग्लोमेरुलस का सेकेंड पार्ट या फिर रेनल वेन्स उसको ब्लड को बाहर ले जाएगी। कैसा ब्लड, फिल्टर्ड ब्लड। तो ये बात है बोमेन कैप्सूल की। अब हम बात करते हैं रेनल ट्यूब्यूल। रेनल ट्यूब्यूल की अगर मैं बात करूं, तो रेनल ट्यूब्यूल जैसे कि ये वाला एक पूरा नेफ्रॉन है, ऊपर वाला हिस्सा हो गया बोमेन कैप्सूल, नेफ्रॉन ये पूरा नेफ्रॉन का ये पार्ट हो गया बोमेन कैप्सूल, नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, रेनल ट्यूब्यूल। क्या कहलाएगा, रेनल ट्यूब्यूल। और रेनल ट्यूब्यूल स्टार्ट होती है कहाँ से, स्टार्ट फ्रॉम बॉटम ऑफ बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल के बॉटम से स्टार्ट होती है,
और एंड होती है नेफ्रॉन के लास्ट वाले पार्ट से, और ये कनेक्ट होती है किससे? यूरेटर से। यूरेटर क्या होगा? किडनी से यूरिन को कलेक्ट करके यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाने का काम करती है यूरेटर। यानी कि रेनल ट्यूब्यूल स्टार्ट होती है बॉटम ऑफ वुमेन कैप्सूल, एंड होती है यूरेटर पे जाके, यानी यूरेटर से वो कनेक्ट होती है। ये तीन पार्ट में होती है। इसका पहला पार्ट कहलाएगा पीसीटी। इसमें सारी की सारी ट्यूब्यूल्स होती है, जिसका नाम भी है रेनल ट्यूब्यूल्स, यानी इसमें बहुत सारी डक्ट्स होती है। इसका पहला पार्ट कहलाएगा पीसीटी, यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। और मिडिल पार्ट इसका कहलाएगा, बीच वाला हिस्सा मिडिल पार्ट, इसको बाद में बताएंगे। इसी के साथ लास्ट वाला पार्ट इसका कहलाएगा डीसीटी, यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। बीच वाला ऐसा, ये वाला ट्यूब्यूल्स आएगी ऐसे, ये वाले ट्यूब्यूल्स है, और यहाँ पे हेयर पिन, कैसा हेयर पिन लाइक लूप बनेगा। क्या बनेगा? हेयर पिन जैसा एक छल्ला या लूप बनेगा, जिसको कहते हैं हैंडलेस लूप। क्या कहते हैं? हैंडलेस लूप। इस तरीके से ये खत्म हो जाता है रेनल ट्यूब्यूल्स यानी नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन की बात मैं बता देता हूँ मैं आपको। नेफ्रॉन स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट होती है किडनी की, और इसको दो पार्ट में आप समझ सकते हैं। पहला पार्ट वुमेन कैप्सूल, दूसरा पार्ट रेनल ट्यूब्यूल्स। वुमेन कैप्सूल क्या होता है? एक कप लाइक स्ट्रक्चर, बैग नुमा स्ट्रक्चर होता है, और उसमें बहुत सारी फाइन बंचेस ऑफ एफरेंट आर्टरीज पाई जाती है, जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। समझ लो, इस ग्लोमेरुलस में दो होती हैं वेन्स, एक तो रेनल आर्टरीज और रेनल वेन। रेनल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ वेस्ट को लेके आएंगी, और रेनल वेन प्योरीफाई या फिल्टर हुए ब्लड को किडनी से बाहर लेके जाएंगी। रेनल ट्यूब्यूल्स, तो रेनल ट्यूब्यूल्स स्टार्ट होती है बॉटम ऑफ वुमेन कैप्सूल से और एंड होती है यूरेटर पर, और ये तीन पार्ट में है पीसीटी, डीसीटी, और मिडिल पार्ट में होता है हैंडलेस लूप। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, हैंडलेस लूप, और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। तो ये बात खत्म हो जाती है नेफ्रॉन की। ये था नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अब बात करते हैं हम यूरिनरी ब्लैडर की। ये सेकंड ऑर्गन है किडनी के बाद जो आता है आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में, इसका नाम है यूरिनरी ब्लैडर। अब बात करेंगे हम यूरिनरी ब्लैडर की। ये एक ब्लैडर होता है, ये मस्कुलर सैक लाइक ऑर्गन होता है, यानी मसल्स का बना होता है, यानी मस्कुलर सैक लाइक ऑर्गन। एक बार बना देता हूं मैं, जैसे कि किडनी दो होती है, ये वाला जो है ये कहलाएगा यूरिनरी ब्लैडर। ये कैसा होता है? मस्कुलर सैक लाइक ऑर्गन होता है, और इसका काम है, मेन फंक्शन है स्टोर द यूरिन, यानी किडनी से आने वाला, किडनी में जो यूरिन बनाए जो अभी मैंने बताया आपको, वो यूरेटर से और यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होता है, यानी कि ये यूरिन को स्टोर करने का काम करता है। लगभग 400 टू 600 ml यूरिन को कलेक्ट करने की इसकी कैपेसिटी पाई जाती है। इसकी सिचुएशन की बात करूं कहां पाया जाता है, तो पेल्विक रीजन में पाया जाता है, बिहाइंड द क्यूबिक बोन के जस्ट नीचे पाया जाता है पेल्विक रीजन में। तीसरी बात ये है इसकी, इसका पियर जैसा शेप होता है। कैसा शेप होता है? नाशपाती जैसा आकार होता है, पियर लाइक इसका शेप पाया जाता है, और ये यूरिनेशन में हेल्प करता है। इसमें यूरिनेशन में हेल्प करने काम करता है, और इसमें यूरिन कहां से कलेक्ट होता है? किडनी के बाद यूरेटर जो है, दोनों दो यूरेटर दो किडनी है, तो इनके द्वारा ये
स्टोर होता है कहाँ, यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये बात हुई यूरिनरी ब्लैडर की। अब बात करते हैं यूरेटर की। अब बात करेंगे हम थर्ड ऑर्गन जो है हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी ऑर्गन में यूरेटर। ये जो दो आप लोग दो डक्ट दिख रही हैं ये कहलाती हैं यूरेटर। ये स्मूथ मसल्स की बनी होती हैं। इसकी बनी होती है मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। इसकी बनी होती है स्मूथ मसल्स की बनी होती हैं। इनकी जो लेंथ है लगभग 25-30 सेंटीमीटर के अराउंड इसकी लेंथ पाई जाती है। ट्यूब लाइक ये स्ट्रक्चर होता है। काम आपको बताई है किडनी में यूरिन जो बनेगा उसको यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाने का काम यूरेटर का होता है। बस अब बात करते हैं अपन अपना आज का लास्ट पॉइंट यूरेथ्रा, यानी हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी ऑर्गन में जो लास्ट ऑर्गन है उसका नाम है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा की अगर मैं बात करूं तो ये एक पॉइंट जैसा या फिर एक छोटी सी ट्यूब, स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जो आपको दिख रहा है ये है यूरेथ्रा। कैसा होता है, बहुत छोटी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये पाया जाता है। काम जो यूरिनरी ब्लैडर में जो कलेक्टेड यूरिन है, जब यूरिन बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सन की प्रोसेस के द्वारा, रिलैक्सेशन की प्रोसेस के द्वारा बॉडी से यूरिन को बाहर निकालने का काम करता है यूरेथ्रा। तो ये बात हुई अपनी के अपना जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसमें मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है किडनी। बात हमने कर ली है उसकी। उसके बाद किडनी का जो स्ट्रक्चर फंक्शनलिटी होती है, नेफ्रॉन दो पार्ट में डिवाइडेड है, बोवेन कैप्सूल, रेनल ट्यूब्यूल्स, इसके बारे में भी अपनी बात हो गई है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर और यूरेथ्रा। अब एक बात रह गई है जो आपके टॉपिक यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम इसके बाद ख़त्म हो जाएगा, वो बात रही होगी अपनी यूरिन फॉर्मेशन। इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि यूरिन कैसे बनता है बॉडी में, उसके बारे में बात करेंगे कल। पूरी वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए उसको कंप्लीट करा देंगे कल। थैंक यू वेरी मच। आई होप अच्छे से पढ़ें।